अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। वेलकम फ्रॉम फ्यूचर कंसर्न ग्रामर स्कूल। बिफोर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पास्ट टेंस। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस टुडे वी विल सी व्हाट इज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से मुराद कोई भी ऐसा काम जो कि मौजूदा ज़माने में हो रहा हो या फिर रूटीन से किया जाता हो। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के उर्दू में जुमलों की पहचान ये है कि इनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो आम खाता है, वो अच्छा गाना गाती है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस अरेंजमेंट कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आम खाता है, ही ईट मैंगोज। ही इज़ एन सब्जेक्ट, ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड मैंगोज आर द ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इन सेंटेंसेस की सेंटेंस अरेंजमेंट कुछ यूँ होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, वो आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मैंगोज। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज हैं, तो डज नॉट यूज़ होगा इस एग्जांपल में। ही इज़ द सब्जेक्ट, डज इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को और मैंगोज ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम सवालिया फिक्रों को भी कहते हैं। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो आम खाता है, डज ही ईट मैंगोज। डज यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो अरेंजमेंट वुड बी लाइक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। I hope you have understood. Take care of yourself. Allah Hafiz. मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए FC स्कूल सरगोधा के नाम से मौजूद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।